लेट्स लुक एट द एग्रीट प्लान एग्रीगेट प्लान इज़ बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इसमें हमने डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करना होता है uh, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से तो फिर क्या होगा कि कस्टमर सर्विस जो है वो सफ़र करेगी क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो वो डिमांड पूरी तरह मीट नहीं हो सकेगी Uh, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी ड्यू टू ओवर टाइम क्योंकि फिर हमें ओवर टाइम में जाना पड़ जाएगा और फिर फ्रेड भी जो है वो हमें ज़्यादा फास्ट फ्रेड पर uh, माल भेजना पड़ेगा टू आर कस्टमर्स फॉर एग्जांपल ट्रेन पर भेज रहे हैं तो फिर ट्रेन की जगह एयरलाइन uh, को यूज़ करना पड़ेगा जल्दस जल्द अज जल्द मटीरियल जो है जो हमारा एंड प्रोडक्ट है वो मार्केट पहुंच सके और ऑन द अदर हैंड अगर सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो फिर क्या होगा सप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इन्वेंट्री बिल्डअप होनी लग जाएगी क्योंकि वो कंज्यूम नहीं होगा टाइमली और उसके अंदर इन्वेंट्रीज in, इंक्रीज uh, होने की वजह से उसमें दो तीन चीजें आ जाएंगी वो ये है कि जो प्रोडक्शन है उसको कम करने के लिए क्योंकि सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करने के लिए हमें ले ऑफ करना पड़ेगा वर्कर्स को कैपेसिटी अपनी एडजस्ट करनी पड़ेगी फिर जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन हैं वो भी रिड्यूस हो गए क्योंकि हम आ, इसको आ, डिस्काउंट के ज़रिए उसकी डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसको बेचने की कोशिश करेंगे हमारी इन्वेंट्री कॉस्ट अच्छी खासी बढ़ जाएगी सो वी हैव टू बैलेंस दिस सप्लाई एंड डिमांड एग्रीगेट प्लान जो है इट शुड प्रोवाइड द स्ट्रेटजी फॉर हाउ डिमांड विल मीट ओवर द बिजनेस साइकिल कि हम डिमांड किस तरह मीट कर सकते हैं जो हमारा साइकल है ये बिजनेस साइकिल है इसके दौरान अगर हम एग्रीगेट प्लान एक डेवलप करते हैं और उसको हम पूरी तरह फॉलो करते हैं तो फिर ये हमारे जो फर्म के ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हुए हैं उस उनको अचीव करने के लिए हेल्प करेगा ये हमारा एक फंक्शनल प्लान है जैसे मार्केटिंग का प्लान होता है फाइनेंस का प्लान होता है ये सारे के सारे टारगेटेड होते हैं टूवर्ड्स अचीविंग द फर्म्स प्लान तो ये भी स्ट्रेटजिक प्लान जो है ऑब्जेक्टिव्स uh, को अचीव करेगा ऑपरेशन प्लान यूजली हम स्टेट करते हैं उन टर्म्स में जिसको हम आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकें फॉर एग्जांपल हम एग्रीगेट टर्म्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नेम ऑफ़ डिफरेंट मॉडल्स के किस तरह ये मॉडल्स डिवेलप uh, होंगे कार के हम क्या कहते हैं कि जी हमने लेट से फिफ्टी थाउजेंड कार्स डिवेलप करनी है इंस्टेड ऑफ मैंशनिंग ईच एंड एवरी मॉडल रीजन बींग और दूसरी चीज़ ये है कि हम लेबर जो है वर्क फोर्स उसको भी एग्रीगेट टर्म में डिस्कस uh, करते हैं रादर देन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हिसाब से उसको डिस्कस करने के और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉनिटरी टर्म में ये एग्रीगेट प्लान को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है और दूसरे फंक्शनल एरियाज़ uh, के टॉप uh, मैनेजमेंट है फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस है चीफ एग्जैक्टिव ऑफिसर है दे ईजीली कैन अंडरस्टैंड दीज एग्रीगेट टर्म्स रादर दैन इंडिविजुअल मॉडल्स और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लैंग्वेज के अंदर और मॉनेटरी टर्म्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अंडरस्टैंड करते हैं इसी तरह वर्कफोर्स को हम पूरा एक ही उसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं रादर देन डिपार्टमेंट वाइज करें सो दे अंडरस्टैंड कि हम क्या इस प्लान के अंदर बात कर रहे हैं फिर हम बाद में दूसरे जैसे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल हुआ उसके ज़रिए फिर इसको डिसएग्रीगेट कर लेते हैं एक और चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि ये जो एग्रीगेट प्लान है इट इज अ प्लान इट्स नॉट अ फोरकास्ट अ फोरकास्ट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर जबकि ये जो एग्रीगेट प्लान है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर अगर फोरकास्ट ठीक नहीं है तो उसका ब्लेम हम प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर नहीं डाल सकते क्योंकि फोरकास्ट कोई और कर रहा होता है हम उसका ब्लेम डालेंगे तो हम डालेंगे एग्रीगेट प्लान अगर ठीक तरह डेवलप नहीं किया तो उसको हम फिर रिस्पॉन्सिबल करार देंगे और उसका फिर हम उसके जो परफॉर्मेंस है अकॉर्डिंगली हम उसको असेस करेंगे एवेलुएट करेंगे